फैमिली कैसे हैं आप सब। एंड यस आई एम बैक विद बेयर फेस क्योंकि आज मैं शेयर करने वाली हूँ आपके साथ मेकअप ट्यूटोरियल फॉर बिगिनर्स स्पेशली फॉर करवा चौथ। सो विदाउट वेस्टिंग मच टाइम स्टार्ट करते हैं हमारा वीडियो। और स्टेप नंबर वन होता है प्राइमर। तो या प्राइमर मैं ऑलरेडी लगा ही चुकी हूँ बट फिर भी आप लोगों को दिखाने के लिए थोड़ा सा मैं अप्लाई कर लेती हूँ, बहुत ही थोड़ा सा अप्लाई करूंगी ताकि आप लोगों को दिख जाए। बट मैंने पहले से ही अप्लाई कर लिया इसलिए मैंने ज्यादा नहीं लिया। तो या और वैसे भी बहुत थोड़ा सा ही प्राइमर जो है आपको लगाना होता है। यस, जो प्राइमर मैंने यूज किया है दिस इज बाय HR हिलेरी रोडा HD प्राइमर एंड काफी अफोर्डेबल प्राइमर है बिगिनर्स के लिए खासकर क्योंकि ये बहुत ही अच्छी प्राइस में आता है। तो यस हमने कर लिया है प्राइमर सेट। तो प्राइमर से पहले हम करेंगे अपना आई मेकअप, उसके बाद हम अपने बेस की तरफ जाएंगे। आईब्राउ फिलिंग के लिए मैं यूज कर रही हूँ मेकअप एकेडमी प्रोफेशनल की आई डुओ आई पेंसिल। बहुत ही पिगमेंटेड पेंसिल है और मैं सिर्फ यहाँ ही फिल करूंगी क्योंकि मेरे यहाँ पे काफी ज्यादा थिकनेस है बट यहाँ पे जो है वो थिन है। तो मैं बहुत ही थोड़ा थोड़ा सा ही फिल करूंगी, ज्यादा नहीं करूंगी और हल्के हाथ से आपने फिल करना है ताकि जो आईब्राउ है वो लाइट लगे, ऐसा ना लगे कि वो आर्टिफिशियल है। तो पेंसिल से ज्यादा मुझे पाउडर अच्छे लगते हैं आईब्राउ के लिए क्योंकि वो ज्यादा अच्छी फिनिश देते हैं। बट मुझे ये पेंसिल खत्म करनी है तो मैं किसी भी तरीके से इसको यूज करके खत्म कर दूंगी। तो या और यहां से देखा शैगी भी बोल रहा है। तो या ये हो गए हमारी आई ब्राउज सेट। सो अब हम स्टार्ट करने वाले हैं आई मेकअप, लेकिन उससे पहले मैं सेट करती हूँ ये टेप क्योंकि आज मुझे बहुत ही फ्लॉलेस और लाइक एकदम सेट और क्लीन चाहिए अपना आई शेडो। तो आई मेकअप एकदम क्लीन हो इसलिए मैं टेप सेट कर रही हूँ। और टेप सेट करने के बाद मैं कोई कंसीलर आज यूज नहीं करूंगी, मोस्टली मैं कंसीलर यूज करती हूँ। आज मैं अपने आईलिड्स पर यूज करूंगी बीबी क्रीम जो कि मैं नॉर्मली अपने फेस पर यूज करती हूँ। तो या एंड दिस बीबी क्रीम इज बाय पॉन्ड्स। बीबी क्रीम ने भी काफी अच्छा काम कर दिया, इवन कंसीलर से ज्यादा अच्छा काम किया है। एकदम आईज पॉप हो रही है मेरी और मैं थोड़ी सी यहां भी लगा लेती हूँ। तो या बीबी क्रीम हो गई। तो आई मेकअप के लिए मैं आज यूज दो तीन चार पैलेट करने वाली हूँ जिसमें से एक है ये मुआ मेकअप अकेडमी प्रोफेशनल का एलिजियम पैलेट जिसमें मैं शेड यूज कर रही हूँ रिफाइन, दिस वन, दिस थर्ड वन इस साइड से। तो या मेरा रोड हमें अच्छा होता है। तो या थोड़ा अच्छे से ब्लेंड करना पड़ेगा बीबी क्रीम को क्योंकि ये क्रीज में सेट हो रही है जब भी मैं आंख खोल रही हूँ। तो आप भी अगर बीबी क्रीम यूज करोगे अपने हाईलाइट्स पे सिर्फ इसलिए कि आप कंसीलर नहीं है आपके पास, तो या अच्छे से ब्लेंड कर लेना ताकि क्रीज ना बने। और अच्छे से ब्लेंड करने के बाद क्रीज बन भी नहीं रही है। तो हम ट्रांजिशन एरिया में शेड यूज कर रहे हैं रिफाइन फ्रॉम मोआ मेकअप अकेडमी प्रोफेशनल्स एलिजियम पैलेट। तो मैं इसे यहीं पर यूज कर रही हूं और मेरा मेन मोटिव है यहां से वी बनाना। तो यहां और यहां बहुत ही लाइट कर रही हूं ताकि मैं बीच में इससे लाइटर टोन ऐड कर सकूं। तो बहुत ही हल्के हाथ से करना है और अच्छे से ब्लेंड करना है, जितना टाइम आपको चाहिए आप लो। कोई जल्दबाजी नहीं है, कोई जल्दी नहीं है, कहीं नहीं जाना किसी को मेकअप करके। करवा चौथ ही सेलिब्रेट करना है तो आराम से मेकअप करो। इतना हो गया। एंड सेकेंड शेड जो मैं यहाँ सेंटर में फिल करने वाली हूँ दैट इज अगेन फ्रॉम द सेम पैलेट एंड शेड इज एयर, दिस वन। एंड मैं ब्रश चेंज कर लेती हूँ क्योंकि ये ब्रश तो गंदा हो गया है। तो ब्रश चेंज करके सिर्फ इतने हिस्से में। एंड यस मेरा आज का यही ध्यान होगा कि
ज्यादा से ज्यादा काम लेना है सेम पैलेट से। बेस हमारा आईज का हो गया है रेडी। अब इसके ऊपर हम अप्लाई करेंगे ग्लिटर आई शेडो एंड दिस वन इज बाय स्विस ब्यूटी। और यस, ये भी हमने लोकल स्टोर से ही खरीदा है। एंड द शेड इज रोज गोल्ड, क्योंकि मुझे शेड का नाम नहीं पता है, कलर मैंने बता दिया है आपको, रोज गोल्ड। एंड रोज गोल्ड से तो आप जानती हो मुझे कितना प्यार है। तो यस, मैंने ग्लिटर अप्लाई कर ली और मैं आंख आपको कभी भी बिल्कुल खोलना नहीं है पूरा। और उसका रीजन ये है कि अगर आप इसे ड्राई आउट नहीं होने दोगे तो आंख पूरी खोल लोगे तो आपके आई मेकअप में क्रीज आ जाएगी और ये ग्लिटर जो है वो एकदम ही क्रीज में फिक्स हो जाएगी, वो अच्छा फिनिश नहीं देगी इसलिए। और मैं फर्स्ट टाइम ग्लिटर ट्राई कर रही हूँ। तो ग्लिटर हमारा सेट हो गया है, अब हम लगाएंगे आईलाइनर। तो आईलाइनर के लिए मैं यूज कर रही हूँ लैक्मे इंस्टा लाइनर। तो ये बहुत ही बेस्ट वाला लाइनर है, इससे लाइक 10 जन्मों से मैं यूज कर रही हूँ। 10 जन्मों से मतलब इसके अलावा मैंने कोई आईलाइनर यूज किया नहीं है, और इवन प्रैक्टिस भी मैंने इसी से किया। कोई बात नहीं, आप आराम से लगाओ, कोई जल्दी नहीं है, कोई धक्के मार के बाहर नहीं फेंक देगा। तो यस, आईलाइनर लग गया। एक आईलाइनर ही है जिसमें मुझे सबसे ज्यादा टाइम लगता है और बहुत मेहनत करनी पड़ती है उसको लगाने के लिए, क्योंकि मैं जितना मर्जी प्रैक्टिस कर लूँ इसने कभी मेरे फेवर में नहीं होना। तो अभी हम अपनी टेप उतार लेते हैं। एंड यस, ये बात तो सही है कि फिनिश अच्छा आता है इस साइड से, और यहाँ पे काफी अच्छा फिनिश आया है, जरा भी यहां से स्मज नहीं किया है, और लाइनर भी काफी अच्छा लग रहा है। सो यस, मेरी एक आई सेट हो चुकी है और मैं अभी जाके अपनी दूसरी आई का मेकअप करके आती हूँ, क्योंकि ऑलरेडी एक आई बहुत ज्यादा टाइम ले चुकी है और दूसरी वाली भी लेगी, तो मैं ऑफ कैमरा वो काम खत्म करके आती हूँ। आई शेडो मेरा सेट हो गया है एंड अब हम लगाएंगे फेस पे मेकअप, यानी कि फाउंडेशन वगैरह। और मैंने प्राइमर पहले ही लगा लिया है। मैं यूज करूंगी पॉन्ड्स बीबी क्रीम जो कि ऑलमोस्ट खत्म हो गई है हमारी, क्योंकि इसके बाद ना मुझे फिनिशिंग पाउडर यूज नहीं करना पड़ता है, इस वजह से ये मुझे सबसे बेस्ट लगती है। एंड तो पहले मैं इतनी सेट कर लेती हूँ अपने ब्यूटी ब्लेंडर से। इवन अभी मेरा फेस और नेक सेम लग रहे हैं बीबी क्रीम के बाद, नहीं तो फाउंडेशन होता तो मुझे पूरे फेस पे और नेक पे अच्छे से लगाना पड़ता, तभी जाके सेट होता। लेकिन मैं फिर भी नेक पे भी लगाऊंगी ताकि अजीब ना लगे, डूल टोन ना लगे। तो या
तो यस ये बीबी क्रीम हो गई है सेट। अभी मेरे को मेरा मस्कारा मिल गया है, इससे पहले वो खो जाए तो मैं लगा लेती हूँ। और मस्कारा के लिए मैं यूज कर रही हूँ ब्लू हेवन, और मैं दूर करके खोल रही हूँ क्योंकि मेरा व्हाइट टॉप है तो व्हाइट ड्रेस है तो सारा व्हाइट व्हाइट पे ब्लैक ब्लैक स्पॉट्स आ जाएंगे इस वजह से। एंड आई एम सॉरी, मेरा आधे से ज्यादा सामान तो खोया पड़ा है तो मैं क्या ही कहूँ। तो पहले मैं मस्कारा लगा लेती हूँ फिर बात करती हूँ। तो मैं ढेर सारा मस्कारा लगा रही हूँ, मैं लैशेस नहीं लगा रही हूँ क्योंकि मैं लैशेस लगाने में परफेक्ट नहीं हूँ, और सेकेंडली लैशेस लगाने में बहुत वक्त जाता है मुझे और मेरी आंखों से भी पानी आने लगता है तो इसलिए मैं लैशेस नहीं लगा रही हूँ। तो या लोअर लैशेस पे भी लगा लेंगे थोड़ा थोड़ा मस्कारा ताकि हमारी नीचे वाली आई लैशेस भी हाईलाइट हो जाएं। तो हमारा मस्कारा हो गया है। यस, मैंने बोला था कि हम दो दिन पैलेट यूज करने वाले हैं पर एक पैलेट से जितना काम हो रहा है हम लेंगे। तो हम फेस भी कॉन्ट्यूर करेंगे इस शेड से, और इस शेड का नाम है ग्रेस। और यस, आपको जरूरी नहीं है वही पैलेट यूज करना है जो मैं यूज कर रही हूँ, आप सेम कलर में कोई भी पैलेट यूज कर सकते हैं अपने बजट के हिसाब से। तो यस, मैं ये शेड थोड़ा सा ले लेती हूँ, और आधे से ज्यादा ब्रश खोए पड़े हैं मेरे तो मैं हाथ से ही इसको थोड़ा टेपर कर रही हूँ ताकि यहाँ पे मैं लगा सकूं। तो सिर्फ स्ट्रीक दिया है अभी, उसके बाद इसको मैं ब्लेंड करूंगी और बहुत थोड़ा थोड़ा ही कर रही हूँ। तो अभी हम इसे ब्लेंड कर लेते हैं। तो इसे साथ साथ ब्लेंड कर लेते हैं क्योंकि यहां वाला कलर देख रहे हो आप डार्क है, यहां वाला थोड़ा सा लाइट हो गया है तो साथ ही साथ इसे यहां से भी ब्लेंड कर लेते हैं। ज्यादा ब्लेंड नहीं करना है कि गायब ही हो जाए। तो हो गया ब्लेंड, और अब हम बढ़ते हैं अपने हाइलाइटर नहीं ब्लश की तरफ। तो ब्लश के लिए मैं यूज कर रही हूँ, मेरे पास दो कलर हैं लिपस्टिक्स के, वन इज बाय किस ब्यूटी एंड वन इज बाय एडीएस। तो मैं एडीएस वाली ट्राई लगाऊंगी और बहुत ही थोड़ा सा क्योंकि ये बहुत पिगमेंटेड है बहुत ही ज्यादा, और मैं इसे ब्लेंड भी स्पेशली इसी वजह से सिर्फ ब्यूटी ब्लेंडर से करूंगी ताकि अगर कुछ ज्यादा होगा तो ये कम कर देगा, और ये बहुत पिगमेंटेड है बहुत आराम से काम करना है इसके साथ। तो थोड़ा थोड़ा लगा के कर लो ज्यादा बेटर है क्योंकि ज्यादा वाला आप हटा नहीं पाओगे। तो यस, ब्लश कंप्लीट हो गया है, अब हम लगाएंगे हाइलाइटर। तो हाइलाइटर के लिए मेरे पास है बट मैं हाइलाइटर नहीं लगाऊंगी, मैं सेम आई शेडो पैलेट में से ये शेड जिसका नाम है शरब तो ये शेड यूज करूंगी एज अ हाइलाइटर। तो या बहुत ही प्रिटी शाइनी सा शेड है और इसीलिए मैं इसे एज अ हाइलाइटर यूज कर रही हूँ क्योंकि लाइक हाइलाइटर का तो काम है ही शाइन देना, बट आज हम यही कर रहे थे कि कम से कम चीजों में ज्यादा से ज्यादा काम ले लें। तो एक आई शेडो में हमने कंटूर भी कर लिया, सेम आई शेडो पैलेट से आई शेडो भी अप्लाई कर लिया, और या हाइलाइटर भी लग गया। सो यस, सारा मेकअप हमारा कंप्लीट हो चुका है, अब रह गई है बस लिपस्टिक अप्लाई करना।
तो वो भी हम अप्लाई कर लेते हैं। तो लिपस्टिक के लिए मैं यूज कर रही हूँ किस ब्यूटी लिक्विड मैट एंड इन द शेड 20। तो या और इससे पहले मैंने लिप बाम लगा रखा था तो ज्यादा देर स्टे करेगी ये। अगर आपने मेरी वो सीरीज नहीं देखी है 31 डेज ऑफ लिपस्टिक, आप जरूर देखिए, उसमें मैंने ये शेयर करी है। तो मेरी लिपस्टिक भी हो गई है डन एंड लास्ट स्टेप इज द मेकअप स्प्रे। ये कोई कंपलसरी स्टेप नहीं है कि जो मैं मेकअप स्प्रे यूज कर रही हूँ आपने भी वही यूज करना है, आप कोई भी यूज कर सकते हो जो आपके बजट में हो। तो मैं जो यूज कर रही हूँ वो है NYX प्रोफेशनल मेकअप और इट्स फॉर डूई फिनिश, जिन्हें शाइनी शाइनी फिनिश चाहिए होता है उसके लिए। तो या इसका स्मेल नहीं अच्छा, स्मेल बिल्कुल नहीं अच्छा। अब इसको हम थोड़ा सा ड्राई आउट कर लेंगे क्योंकि अगर इस पर अगर मैंने हाथ लगाया तो वो सारा मेकअप फैल जाएगा। तो मैं जाती हूँ कपड़े चेंज करके आती हूँ अपने फाइनल लुक के साथ। यस दिस इज माई फाइनल लुक। और या इस मेकअप में मोस्ट इम्पॉर्टेंट चीज जो है वो है सिंदूर, वो मैंने नहीं लगाया है क्योंकि मैं नहीं लगा सकती। और अगर आपको करना है तो आप पूरा मेकअप करने के बाद सिंदूर ऐड कर सकते हैं इफ यू आर मैरिड देन। और यस मैंने बिंदी भी ऐड करी है, कहीं से ढूंढ के लाई और लगा ली। एंड आप चाहे तो इसे साड़ी के साथ भी यूज मेकअप कर सकते हैं ये वाला, आप चाहे तो सूट के साथ भी मेकअप कर सकते हैं। ये लुक अच्छा लगा तो प्लीज वीडियो को लाइक एंड शेयर जरूर देना एंड कमेंट सेक्शन में जरूर शेयर करना कि मेरे एफर्ट आपको कैसे लगे, क्योंकि आप सब जानते हैं मेकअप करना मेरे लिए पहाड़ तोड़ने के बराबर है। और फाइनली आज मैंने बहुत दिनों बाद पहाड़ तोड़ा है तो थोड़ा सा तो सराहना मिलनी चाहिए इतनी मेहनत के लिए। एंड चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो प्लीज चैनल को सब्सक्राइब कर ले। मेरी आईजी फैम को ज्वाइन नहीं किया तो प्लीज आईजी फैम को ज्वाइन कर ले, क्योंकि मुझे थोड़ा कुछ अच्छा लग रहा है ये मेकअप, क्योंकि मैं इतना ब्राइट मेकअप नहीं करती हूँ। तो मैं आईजी पर जरूर पोस्ट करूंगी और वो भी करवा चौथ पे, तो आईजी फैम जरूर ज्वाइन कर ले। मैं आपसे मिलूंगी अगली वीडियो में, टिल देन टेक केयर, बाय बाय एंड थैंक्स फॉर वॉचिंग।